नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इको पार्क माती भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अकबरपुर रनिया, विधायक प्रतिभा शुक्ला सहित जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी, मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडे, अपर जिलाधिकारी प्रशासन पंकज वर्मा, ब्लॉक प्रमुख पति डॉक्टर विवेक द्विवेदी आदि ने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर व माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा लखनऊ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लाइव प्रसारण के जरिए अपने विचार प्रकट किए, जिसका जनपद में एलईडी व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ से आई एलईडी वैन के माध्यम से उपस्थित अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों व भारी संख्या में उपस्थित महिलाओं आदि ने विचार को सुना तथा देखा। कार्यक्रम स्थल पर स्कूल की बालिकाओं द्वारा मन भावन रंगोली भी सजाई गई, जिसका विधायक, डीएम, एसपी, सीडीओ सहित अन्य अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने अवलोकन भी किया। नारी सशक्तिकरण को लेकर नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन संबंधी बालिकाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुत किए, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के स्वावलंबन पर महिलाओं ने अपने विचार प्रकट किए। इसी क्रम में प्रेरणा ओजस के तहत मैथा विकास खंड के ग्राम टोंडरपुर में गौरी देवी ने सोलर लाइट के जरिए रोजगार हासिल कर परिवार को आगे बढ़ाने के मामले में अपने विचार प्रकट किए। इसी क्रम में एक कृषक महिला ने भी बताया कि मैं स्वयं ट्रैक्टर चलाकर खेती कर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहती हूं। वहीं अकबरपुर रनिया विधायक प्रतिभा शुक्ला ने कहा कि महिलाएं पुरुष पर गलत तरीके से दबाव न बनाएं तथा सही घटना पर ही अपनी बात संबंधित प्लेटफॉर्म तक पहुँचाएं। पुरुष के बिना महिला अधूरी है, इसका विशेष ध्यान रखा जाए, इसी से परिवार सुखमय होता है। जिला सूचना अधिकारी, जिला ग्राम विकास अधिकारी, डीपीआरओ आदि अधिकारी गण व कर्मचारी व भारी संख्या में महिलाएं आदि उपस्थित रही। महिला दिवस के उपलक्ष्य में क्या क्या किया गया जनपद में? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। इसी क्रम में जनपद कानपुर देहात में आज यहाँ एक विशेष कार्यक्रम उत्तर प्रदेश शासन की नीति के अनुसार किया गया, जिसमें मातृ शक्ति को नमन किया गया और जो कुछ उल्लेखनीय कार्य हमारे जनपद की स्थानीय महिलाओं ने किए हैं उसका उल्लेख किया गया और पुरस्कृत किया गया। सर, इतना बड़ा मंच लगा था, आज देखा जाए तो विश्व महिला दिवस पूरा देश मना रहा है। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए कानपुर देहात से संदीप कुशवाहा की रिपोर्ट।